और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही प्रेजेंट कर देंगे एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं कॉलेज ही नहीं आ रहा है। हम आपको बता दें कि बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो 11 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई होना है 2023-24 के लिए एकेडमिक ईयर का, अभी के नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। और कॉलेज तो बहुत सारे कॉलेज को यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है भरने के लिए और अप्लाई भी हो रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है और किन लोगों को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको कॉलेज का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लाइव आपके सामने सब कुछ करके दिखाएंगे भी। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल सके अकेडमी ईयर 2023-24 के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को घंटे को दबाइए ताकि ई कल्याण स्कॉलरशिप का हर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको स्कॉलरशिप रिलेटिव मिस ना हो। यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा लॉग इन करके, यहाँ पर देखेंगे सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कॉलेज जो है जिला आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए कि हजारीबाग को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा हजारीबाग जिला है में कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज का अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए और किस ब्लॉक में आपका कॉलेज है उसको सेलेक्ट करें। तो मान लीजिए हजारीबाग ब्लॉक में ही मेरा है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है, तो सेलेक्ट कीजिए कॉलेज। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। कॉलेज सेलेक्ट कर लिए हम किसी भी कॉलेज को, अब यहाँ पे सारा डिटेल्स आ गया। अब यहाँ पे कोर्स भी सेलेक्ट हो जाएगा, कुछ भी आप कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और यहाँ पे आप और ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे छात्रवृत्ति का प्रकार सेलेक्ट कर लीजिए, हॉस्टलर हैं या डे स्कूलर, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। देखेंगे पूरा काम यहाँ पे हो रहा है, कोई भी इशू नहीं है, समझ रहे होंगे आप। ये कॉलेज सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। हजारीबाग में फॉर्म भरा रहा है दो कॉलेज, हालांकि हजारीबाग का यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि लोहरदगा कॉलेज में, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे कॉलेज बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि लोहरदगा को मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ओके करेंगे। तो लोहरदगा में लोहरदगा ब्लॉक को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लोहरदगा ब्लॉक, ओके पर क्लिक कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे आ चुके हैं, प्लस टू हैं, आईटीआई है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे कॉलेज आपको दिख जाएंगे। तो इस तरीका से आप मान लीजिए कि हम किसी को एक कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, माँ सरस्वती पीवीटी आईटीआई को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे, ओके कर लेते हैं। सब कुछ अच्छे से वर्क हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप फिटर से हैं या इलेक्ट्रिशियन से, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, कर लेंगे यहाँ पे, ओके पर क्लिक कीजिए। इलेक्ट्रिशियन को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप प्रजेंट में जो भी अध्ययन कर रहे हैं पाठ्यक्रम उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट है या सेकेंड है आपका, तो मान लीजिए फर्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। छात्रवृत्ति का प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, डे स्कॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे देखेंगे आपका जिला उला सब जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो फॉर्म भरने में कोई इशू नहीं है। अब बहुत लोगों का कॉलेज यहाँ पे नहीं सेलेक्ट हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी आपको दिखाएंगे कि हम पाकुड़ यहाँ पे पलामू को ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, तो पलामू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पलामू प्रखंड हम विश्रामपुर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके करेंगे। अब यहाँ पे विश्रामपुर में देखेंगे कोई भी कॉलेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप कि कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, ये जो है पुराना वाला सेलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे सीधी बात हम आपको बता दें कि जो कॉलेज रिन्यूअल है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दिखेगा, जो कॉलेज रिन्यूअल नहीं रहेगा वो यहाँ पे आपको नहीं आएगा, क्योंकि तो कॉलेज को रिन्यूअल करना अनिवार्य है। इसका कॉलेज कौन सा रिन्यूअल है कि नहीं रिन्यूअल है उसका लिंक हम आपको दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आप अपना जिला को सेलेक्ट कीजिएगा, ब्लॉक को सेलेक्ट कीजिएगा और अपना जो भी कॉलेज रिन्यूअल रहेगा वहाँ पे यस रहेगा, तो आपको कॉलेज देखने को मिलेगा। नो रहेगा तो नहीं, यहाँ पे आपको कॉलेज दिखेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का अपडेट आपको आगे मिलता रहे। मिलेंगे जानकारी के साथ।